नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। और आज स्वामी रामदेव से हम जानेंगे तमाम वो यौगिक उपाय जिन्हें करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। पूजा और पूजा है हमारे साथ। नर हो ना निराश करो मन को, जब सब छूटने लगे तब भी अपने जुनून का दामन थामे रहिए। ये आपको राह दिखाएगा, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा और कभी भी आपको भटकने नहीं देगा। बिल्कुल। और हुसैन कहते हैं ना कि अगर आप सुबह सवेरे की शुरुआत अगर योगा से करते हैं, अपने जीवन में योगा को आप लेकर आते हैं, तो आपका जीवन मानो बदल जाता है। और बस ध्यान देने की जरूरत यह है कि ये आपकी जिंदगी पर हावी ना हो। आपको योगा डेली करना है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपका खान पान आपके ऊपर हावी ना हो। आपको बिल्कुल ठीक खाना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है जाने अनजाने पर, क्योंकि अगर आप टेंशन लेते हैं तो ये आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। और साथ में ये जानना भी जरूरी है कि ऐसे नेगेटिव इमोशंस डिप्रेशन की वजह कुछ भी हो सकती है, जैसे लाइफ में कोई बड़ा बदलाव, एक्सीडेंट या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हार्मोनल चेंजेस, यहां तक कि सर्दी का मौसम भी डिप्रेशन की वजह बन जाता है। वैसे ही पूरी दुनिया के लिए डिप्रेशन एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। भारत में करीब 20 करोड़ लोग डिप्रेसिव डिसऑर्डर के शिकार हैं, मतलब हर सात में से एक भारतीय किसी ना किसी तरह की मेंटल इशू का सामना कर रहा है। इतना ही नहीं, पिछले 30 सालों में मेंटल डिसऑर्डर का जो एवरेज है भारत में दोगुना हो गया, यानी काफी बढ़ गया है। बिल्कुल हुसैन, और देखिए इस बात में कोई शक भी नहीं है कि इसके पीछे हमारी और आप सबकी सोच है, क्योंकि देखिए कई बार ये होता है कि लोग अपनी लाइफ को मिशन समझने लगते हैं, अपने प्लान, अपने टारगेट्स और सक्सेस की रेस में अपने आप को ऐसे झोंक देते हैं कि वो अपनी सेहत को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, अपने आप को सिर्फ मशीन समझ कर काम में लगा देते हैं। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बाद भी मिशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो नतीजा ये होता है इसका कि आप डिप्रेशन की गिरफ्त में आ जाते हैं और सुसाइडल टेंडेंसी लगातार इसी वजह से हमारी सोसाइटी में बढ़ती भी जा रही है। बिल्कुल प्रिया, एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 1,64,000 से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की। मतलब ये कि भारत में हर रोज करीब 450 लोग निराश होकर जान दे देते हैं और उनमें बड़ी संख्या 18 से 35 साल के युवाओं की होती है। और ये आंकड़ा बहुत डराने वाला है। हाल ये है कि सुसाइड को लेकर सरकार को राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति बनानी पड़ी है, ताकि खुदकुशी के मामलों पर रोक लगाई जा सके। ये मसला इतना गंभीर है कि सरकार खुदकुशी को रोकने के लिए हर जिले में डॉक्टर्स की तैनाती करने की अब तैयारी भी कर रही है। बिल्कुल हुसैन, और देखिए सरकार ही नहीं, हर किसी को इससे बचने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त पर पहचान होने से लाखों जिंदगियां बचाई जा सकती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि खुश रहिए। और डिप्रेशन की पहचान बहुत मुश्किल भी नहीं है। आंखों का रेटिना थोड़ा बड़ा हो जाता है, नींद ना आना, बात बात में गुस्सा आना, ये डिप्रेशन के लक्षण है, तो आप भी ध्यान रखिए। तो निराश बिल्कुल नहीं होना है, बस मुश्किलों का सामना डट कर करना है, क्योंकि घोर काली अंधेरी रात भी अगर होती है ना, तो सवेरा होके रहता है, सुबह होके रहती है, और आपकी सुबह भी जरूर होगी अगर आप बीमारियों की गिरफ्त में हैं। बस करना यह है कि स्वामी रामदेव के साथ रोजाना योग कीजिए सुबह 7:56 पर। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। मेरा भी बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, प्रिया जी, पूजा जी, और मेरी तरफ से नहीं, पूज्य चिदानंद मुनि जी भी हिमालय से उतर करके यहाँ जोधपुर की धरा पर आ गए हैं, और हमारे साथ आज देश के एक बहुत ही प्रसिद्ध राम कथाकार और एक संत है, गए श्रद्धे पूज्य महाराज जी, और हमारे पूज्य लोकेश मुनि जी महाराज, और मेरे साथ एक छोटी सी योगिनी बेटी भी आप देख रहे हो जी, इसका नाम लेखिका, एक बार जोरदार अभिनंदन भाई इस गुड़िया का, इसने स्वामी जी अवार्ड जीते हैं योग में, और बहुत कठिन कठिन योग कर रहे हैं, अभी तो मेरा साथ दे रही है सूर्य नमस्कार में, आगे फिर सारे इसके योग के हुनर भी देखने को मिलेंगे। और स्वामी जी हमारा नमस्कार भी पहुंचाइए, वहां की ये योग की विश्व प्रतिभा, और हुसैन भाई का भी आप सबको, प्रिया जी, पूजा जी, आप सबको प्रणाम करिए महापुरुषों, आपका प्रणाम मैंने सब तक संप्रेषित कर दिया है, बहुत अच्छी बात मेरे भाई हुसैन जी, और ये भक्ति और शक्ति की धरा, शौर्य की वीरता की धोरा की धरा, राजस्थान री धरती, और इस पर आज
ये इंडिया टीवी पर ये केशव प्रिया गौशाला और यहाँ का वातावरण कितना दिव्य है। देखिए आप चारों तरफ जंगल में यहाँ मंगल है, गौशाला के साथ में यहाँ पीछे हमारे भगवान जी विराजमान है और पूरे आनंद के वातावरण में सूर्य नमस्कार के साथ तो हमने शुरू ही किया है ये कार्यक्रम। और बेटा आप तो अभी कठिन कठिन आसन करो, देखो एक तरफ अभी कठिन कठिन करो, इधर से आगे से निकालो पीछे से निकालो, हाँ निकालो, देखो कितना अच्छा करती है बिटिया, हाँ क्या बात है, ओफो कमाल है, राम राम राम, क्या बात है, क्या बहुत खूब। और अब उधर से आगे से निकालो पीछे, ये तो पूर्ण चक्रासन किया और आगे से पीछे निकालते तो क्या बोलते इस आसन का नाम बोलो, ऊर्ध्वमुख टिट्टी भासन करो। एक तो टिट्टी भासन होता है और टिट्टी भासन तो ये इतना ही हो गया, अब इसमें भी ऊर्ध्वमुख कर दिया तो ऊर्ध्वमुख टिट्टी भासन, क्या बात है, जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी है स्वामी जी। देखो तो ये ऐसे पूरे देश में योग के बीज बिखेर दिया हमने तो करो बेटा कठिन कठिन, आप करना चाह रही हैं क्या? और इसमें इंडिया टीवी का भी बहुत बड़ा था अभी योगदान है, एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो भाई इंडिया टीवी का भी, हुसैन जी का, प्रिया जी का, पूजा जी का, ज्योत्सना जी का, मीनाक्षी जी का और आदरणीय श्रद्धे रजत जी का। और सुबह सुबह उठ करके सब दंड बैठक लगाना, नहीं तो कम से कम कपाल भाती अनुलोम विलोम तो करना ही हमारा आज। अच्छा स्वामी जी देखिए रोटला और कार्यक्रम की शुरुआत में ही आप ऐसा माहौल बना देते हैं ना, इतना जबरदस्त मोमेंटम हो जाता है कि पूरा कार्यक्रम कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। माहौल आज तो इस लेखिका ने बना दिया है। और बिल्कुल बिल्कुल लेखिका तो कमाल है, पसली है ही नहीं पूरी और लेखिका जैसी हर बच्ची हो हर बच्चा हो ये सभी माता पिता सोच भी रहे होंगे स्वामी जी। और आपकी मुस्कुराहट के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं। वैसे स्वामी जी हमारे सभी दर्शक भी खुश रहें, इसका सीक्रेट वो खुद जानना तो चाहते हैं शायद जान नहीं पाते, तो जरा बताइए उन्हें कि इसका सीक्रेट कहाँ छिपा हुआ है जो उनसे पकड़ में नहीं आ रहा है। और दौड़ने हवन करने ताली बजाने शंखनाद करने से आप अक्सर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है इससे जिंदगी में, कैसे जिंदगी में इससे खुशहाली आती है? जोरदार ताली बजाओ, ताली बजाने से। और एक बार जरा हंस के दिखाओ सर, फिर से हंसो, ऊपर से ड्रोन को हम कैमरा से भी शॉट ले रहे हैं, थारे राजस्थान रोमान बढ़ रहे हैं। तो ये हंसने से अब ये कठिन कठिन आसन जो शुरू से बचपन से ही करेंगे क्योंकि इनकी तो फ्रीक्वेंसी वैसे हाई लेवल पर सेट हो जाएगी, तो जो इतने कठिन ना कर पाए लेखिका की तरह, जो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना, लेखिका की तरह कर लेना, नहीं तो बचपन से ही जो शीर्षासन करेंगे, बचपन से ही जो शीर्ष पद्मासन सर्वांगासन करेंगे, बचपन से ही जो कपाल भाती अनुलोम विलोम करेंगे, कम से कम दो आसन शीर्षासन सर्वांगासन, कम से कम दो प्राणायाम ही कर ले, शंखनाद कर ले, ताली बजा ले, हंस ले, सुबह उठ करके सुबह इसके पीछे की स्वामी जी सुबह उठ करके भागे। स्वामी जी इसके पीछे की साइंस भी जरा समझाइए कि ताली बजाने से क्या हो रहा है, हंसने मुस्कुराने से क्या हो रहा है और शंखनाद से क्या हो रहा है, हवन से क्या हो रहा है। तो देखो इससे एक तो पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है हमारे शरीर में, इंद्रियों में, मन में, रोम रोम में, तो जब हम ताली बजाते हैं ना इससे अपने आप हमारे शरीर में जो ऊर्जा केंद्र है ना, यहां यहां थायराइड का पॉइंट है, गले का, यहां पेनक्रियाज का, यहां आंतों का, यहां हार्ट का, यहां कान का, यहां आंख का, यहां फेफड़ों का, यहां पेट का, यहां सारे स्ट्रेस के मूल सिद्धांत अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत तरह, ये हमारा हाथ ही सारे ऐश्वर्य का, सारे औषधियों का, सारे शक्ति का, सारे शौर्य वीरता का, सौभाग्य का आधार है। इसलिए प्रभाते कर दर्शनम करते थे, आजकल प्रभाते कप दर्शनम हो गया, उठ के चाय से शुरुआत कर
तो क्या है, जब जोर से ऐसे ताली बजाते हैं, देखो तो गुड़िया, तो आज मैंने इसको कह रखा तुम लगातार करते हो, आज इंडिया टीवी पर लेखिका को देख करके, छोटे से गांव की गोपालगढ़ की इस बेटी को देख देख करके बहुत से नए कीर्तिमान गढ़े जाएंगे कि हम भी ऐसे कर सकते हैं, तो धीरे धीरे बच्चे करते रहेंगे। तो ताली बजाने से अंदर की ऊर्जा जागृत होती है, हंसने से पूरी पॉजिटिविटी आती है, हवन करने से सारा वातावरण की नकारात्मकता दूर हो जाती है, जो शनि केतु राहु भूत प्रेत डाकिनी शासनी पिशाचिनी जिंद जिन्नादनी, जो लोगों के सर्पदोष काल सर्पदोष न जाने क्या क्या दोष कहते पीछे पड़े रहते हैं। जिस घर में हवन होता है, जिस घर में गोमाता होती है, यहाँ तो गोमाता का तो बहुत इतनी सुंदर 5 स्टार नहीं 7 स्टार गौशाला भी मैं पहली बार देखी। बहुत शानदार, माता पिता के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, उठ करके धरती माता को प्रणाम, माता भूमि ही पुत्र हम पृथ्व्याः, मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र देवो भव। और प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा, तो सुबह उठ करके माता पिता के चरणों में प्रणाम कर लेना, धरती माता को प्रणाम कर लेना, पूरा प्रणाम ना हो पाए तो फिर तुम तो भून मनासन करो एक बार पूरा दोनों पैर। अच्छा स्वामी जी, क्या बात है, एक बार जोरदार फिर से ताली बजा दो, देखो ऐसे प्रणाम कर लो, नहीं इतना भी ना हो तो कम से कम शशकासन ही कर लो, ऐसे ही प्रणाम कर लो धरती माता को। स्वामी जी भी करते हैं तो भी तो प्रणाम ही करते हैं ना, देखो बिल्कुल बिल्कुल, छोटी छोटी बातें हमें पॉजिटिविटी से भर देती है हुसैन भाई। स्वामी जी, इस बच्ची को देख के मैं सोच रहा हूँ कि लेखिका और लेखक बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके लोग लेखिका और लेखक बनते हैं, और ये बचपन से ही लेखिका है, ये कमाल है। तो मेरी बहुत सारी दुआएं इनके लिए, ये ऐसे ही कमाल करती रहे और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन रहे। स्वामी जी, कई बार लोगों की जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, इसके बाद भी अचानक से वो डिप्रेशन की चपेट में आ जाते हैं, मतलब कोई वजह नहीं है, परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है, बेटा बेटी बच्चे माँ बाप सब अच्छे हैं, सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिंदगी में कामयाब भी हैं, और ये सर्दी के महीने में ये परेशानी कई बार ज्यादा देखी जाती है, तो ये सर्दी का क्या कनेक्शन है डिप्रेशन के साथ, जरा ये भी समझाइए। अंधेरों, और वैसे भी जो डिप्रेशन के रोगी है ना, वो अंधेरे में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। देखो दो ही लोग अंधेरे में रहते हैं, एक तो जोगी रहता है, एक रोगी रहता है, भोगी रहता है, डिप्रेशन वाला रहता है। तो योगी तो उसको अंदर का प्रकाश इतना मिल गया, उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है। और दूसरा जिसको डिप्रेशन हो जाता है ना, वो डिप्रेशन वाला क्या करता है, वो डिप्रेशन वाले को ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसको ऐसा लगता है ये पति ये पत्नी ये घर परिवार रिश्तेदार सब बेकार है, वैराग्य नहीं हुआ है, वो वैसे ही गीत गाता रहता है, कल भी मन अकेला था आज भी अकेला है, जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है, ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में, प्यार सिर्फ मिलता है आजकल किताबों में, रिश्ते नाते झूठे हैं, बात का झमेला है। तो वो वैराग्य नहीं होता, उसको राग नहीं होता, किसी से प्रीति नहीं होती। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए। प्यार करने के लिए क्या करे, सबके अच्छे गुण देखो, सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। आप भी बोल रहे थे हुसैन भाई, जी 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 जी, श्रुति नीति, क्या बात है हुसैन भाई, के एक बार जोरदार ताली बजा दो। तो अपने स्वधर्म में रहे, सब में अपना ही स्वरूप देखे, सब में ही उस खुदा का अल्लाह का नूर देखे, उस ऑलमाइटी गॉड को भगवान को देखे, सब में ही राम को देखे, सिया राम मैं सब जगह जाने करो प्रणाम, जोड़ी जुग पानी ऐसे, जो सबके अंदर एक ही ब्रह्म को, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, और एक ही परमात्मा का वास सबके भीतर है, और वो हमारे आसपास ही है। तो ऐसे जो पॉजिटिविटी में दीते हैं ना, अपना ही स्वरूप सब में देखते हैं, भगवान का ही स्वरूप सब में देखते हैं, सबके सदगुण देखते हैं सब, तो उनको जीवन में ना कभी भी नैराश्य कुंठा नहीं आती। पॉजिटिविटी जरूरी है हर, देखो इस संसार के दो पहलू, अंधेरा भी है उजाला है, सुख दुख है, यहाँ जहर भी है यहाँ अमृत भी है, सब कुछ है यार। हमारी दृष्टि यदि पॉजिटिव रहेगी तो सारी सृष्टि में हमें अच्छा ही अच्छा नजर आएगा, और यदि हमारी दृष्टि में नेगेटिविटी आ जाती है
तो फिर सारे संसार में सारा सुख वैभव ऐश्वर्य होते हुए भी हम नकारात्मकता में इतने खो जाते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और जैसे आपने आंकड़े दिए, ये तो रिपोर्टेड केसेज हैं कि 10 लाख से ज्यादा लोग तो सुसाइड कर लेते हैं हिंदुस्तान में हर साल, और ये मिलिट्री पैरामिलिट्री से लेकर के सिविलियंस तक, आम लोगों तक के आंकड़े हैं। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति आत्महत्या ना करे, जो योग करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। और सारा तो मामला स्वामी जी जीवन में आएगी नहीं। क्लब मास्म गार्थने तत्व पद्धति क्षुद्रम हृदय धोर बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परंत पर वायु हुसैन जी। बिल्कुल, और सारा मामला भावना का है, जाकी रही भावना जैसी। तो भावना को जो है वो पॉजिटिव करना है, मजबूत करना है। लेकिन स्वामी जी हालात इतने खराब हैं, आपने खुद ही आंकड़ा भी बता दिया कि जो रिपोर्टेड हैं वो तो चलिए ठीक है, लेकिन बहुत सारे केस रिपोर्ट ही नहीं होते। तो डिप्रेशन इतना खतरनाक हो जाता है कि लोग सुसाइड जैसा एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं। तो ऐसे नेगेटिव विचार मन तक ना पहुंचे, मन में ना आए। तो इसके लिए और क्या क्या आप सलाह देते हैं, जो कभी आपके पास इस तरह के केसेस आते होंगे, इस तरह के लोग पहुंच जाते होंगे आपके पास भी, तो आप उनसे क्या क्या दिनचर्या करवाते हैं? तो बचपन से ही अपने बच्चों को योग के अभ्यास में लगाएं, जैसे बेटी लेखिका यहाँ पर कर रही है। सुबह उठ करके सारे घर में एक नियम बना लो कि हमारे घर का नियम है, जैसे राजस्थान में घरों में नियम है कि घर में घाघरो पहनना जरूरी है, घर में सलवार कमीज नहीं चलेगा, और जींस तो चाल ही नहीं सकती कतई। हाँ, तो ये नियम तो ठीक है, भाई घाघरो पहनो कि साड़ी पहनो थारी मर्जी, लेकिन योग को नियम बना लो कि हाँ योग करना ही है। तो बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब घर में योग करें, कम से कम सप्ताह में एक बार बैठ करके अपने अपनी आस्थाओं के अनुसार भजन करें, कीर्तन करें, और अच्छा खाएं पिएं। जो शाक सब्जियां खाते हैं ना, मिलेट्स का सेवन करते हैं, जो प्रतिदिन अच्छा आहार लेते हैं, अच्छा आहार और अच्छा विचार, ये श्रेष्ठ सात्विक जीवन का आधार है। जो लेखिका की तरह कठिन न कर पाए तो मंडूकासन, योग मुद्रासन करके ही गुजारा कर लेना, कभी हड्डी पसली मत तोड़वा लेना आज देख करके। हाँ, कि स्वामी जी तो इंडिया टीवी पर बता रहे थे ऐसे जोर जोर को योग करनू है। तो क्या करना, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी का सेवन करना, सुबह उठ करके गोधन अर्क का सेवन करना, उससे लीवर की, किडनी की, हार्ट की, मोटापा की, कोई भी ये तमाम तरह की लाइफ स्टाइल डिजीज, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पायस, पिसर, फिस्टूला, तमाम तरह की बीमारी नहीं होंगी। और मिलेट्स का सेवन करें, शाक सब्जियों का सेवन करें, और नेचुरल जो स्वीट है ना वो बहुत अच्छा होता है डिप्रेशन से बचने के लिए। और एक खास बात, तो ये तो मंडूकासन, योग मुद्रासन में बता रहा था, ये पूर्ण वृश्चिकासन कर रही है। अब मारा था इतना तो कोनी हो, इतना तो मारता भी हो जाओ है। तो ये तो कठिन कठिन कर रही है, हैं? चलो पूर्ण धनुरासन करो बेटा, पूर्ण धनुरासन, पूर्ण उष्ट्रासन। तो अच्छा आहार ले, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर् लब्धे सर्व ग्रंथिनां विप्रमोक्षाः। तो देखो, धी धृति स्मृति भ्रष्ट कर्म यत कुरते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम। तो इस प्रज्ञापराध, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि हम योग करें, और योग करें, अच्छा आहार लें, अच्छे विचारों में जिए, और जिनको स्ट्रेस डिप्रेशन है ना, गाय का घी जरूर खाएं। क्या खाएं? गाय का घी। क्या खाना रहे बोलो, गाय को घी खानो है। 2 चम्मच जो गाय का घी खाएंगे, हाँ गाय का घी खाओ, और गाय का ना मिले तो भैंस एंटी को भी कभी कभी खा सको। और इससे क्या होगा कि इससे सर्दी भी कम लगेगी, है ना स्वामी जी? अब देखिए स्वामी जी, स्टूडियो में जो कम लगेगी, इससे दिमाग बहुत अच्छा रहता हुसैन भाई। गाय का घी नाक में डाले, गाय का घी खाएं, उससे ना मस्तिष्क को कभी भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये पार्किंसंस, पैरालिसिस, डिमेंशिया, अल्जाइमर, ऑटोमेन डिजीज, ये तमाम तरह के रोग नहीं होंगे। तो जो मोटे ठाड़े हैं, तगड़े तगड़े, वो तो गोधन अर्क पीना,
और हमारे जैसे जो थोड़े से ठीक ठाक से हैं वो गाय का घी खाओ ठोक के, और यदि दाल बाटी चूरमा खाओ तो सुरमा बनो, और खीर खाओ तो वीर बनो, और खीर चूरमा दोनों खाओ तो महावीर बनो। तो स्वामी जी देखिए स्टूडियो में सर्दी आ चुकी है और बाकी लेखिका की तरह पहले हमारी तरह योग जरूर करिए, लेकिन आपको देख के लग रहा है अभी कि सर्दी नहीं आई है। बहरहाल लेकिन स्वामी जी आम तौर से हमारी दुनिया में ये धारणा है, माना जाता है कि सर्दी में आलस बहुत होता है, सर्दी में प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, सर्दी में वर्किंग आवर कम हो जाते हैं, बहुत सारा आलस सर्दी के साथ आता है, ऐसा लोग मानते हैं। ये आपको क्या सच लगता है, क्या इसमें सच्चाई है, और अगर है तो फिर योग से इस आलस को कैसे दूर भगाएं? आलस को दूर भगाने का कठिन उपाय तो बहुत करवा दिए मैंने बेटी से, अब ये जो है भुजंग आसन करवा रहे हैं, अब इसको तो ये बहुत हल्का लगता है, पीछे सिर उठा, पैर उठा, सिर पे लगा ऐसा, अब आगे यहाँ लिया, यहाँ गर्दन के पास पैर, क्या बात है भाई, जो बोलो एक सेकंड में बेटियाँ कर देती है लेखिका। तो बेटा अब ये करो, चलो भुजंग आसन करो, ऐसे पैर पीछे सीधे ऐसे, ये 100 बार सबको करना है, सुन लो रे सब, दाल बाटी चूरमा ठोकते रहते हो आ जा, फिर बहुत मुटी आ गए हो, उधर एक मोटू राम उधर भी बैठा है, एक मुटिया भैया इधर भी बैठी है, तो सुनो 100 बार ये करना, सर्दी भी नहीं लगेगी और शक्ति भी आ जाएगी, बल बढ़ेगा, बलम उपास्व नैमात्मा बल हिने न लभ्या, ऐसे तो ऐसे बलवान बनो और ये 100 बार तक भुजंग आसन करो ऐसे, फिर किसी को स्ट्रेस नहीं रहेगा। हाँ एक बात ये बताना चाहता हूँ, चलो बेटे ये विदंड भी लगाओ, जो ऐसे योगाभ्यास करते हैं ना उनके प्रोलैक्टिन कार्टिसोल एसिटी, ऐसे तो मैं भूल ही गया था, 20 साल पहले हमने रिसर्च कर लिया था, प्रोलैक्टिन कार्टिसोल एसिटीएच जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स है ना उनके कम हो जाते हैं, और एंडोर्फिन अच्छे हार्मोन्स, मेलाटोनिन डोपामिन अच्छे, आजकल तो ना अच्छे हार्मोन्स की भी डोज लेते हैं लोग, तो जो योग करते हैं दौड़ते हैं सुबह उठ करके, सुबह उठ के जागो और भागो, सुबह उठ के क्या करो बोलो, जागो और भागो, सुबह उठ करके जागो भागो, गेम्स खेलो, स्विमिंग करो जिनसे जो बन पाता है, और नहीं कुछ तो यही अपना दंडे ही लगाओ, ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ ऐसे ये ऐसे, और हमारे पूज्य मुरलीधर जी महाराज जी की तरह ठाड़े होकर कीजिए, मुरलीधर महाराज के लिए भी जोरदार ताली बजा, और नहीं तो हमारे मुनि जी की तरह रह लो, हमारे पूज्य मुनि जी आज सारी दर्शनीय मूर्तियां हैं, हमारे लोकेश मुनि जी, पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी और हमारे मुरलीधर जी महाराज जी, रोज 100 बार का नियम ले लेना सबको, इधर भी बैठे हमारे पगड़ी में विनोद जी, सोनू जी, नरेंद्र जी, प्रमोद जी, मदन जी, रेखा जी, सब सबको योग कराते, कपार भाते अनुलोम विलोम करते ना, ये सब हमारे योग योद्धा है, लंबे लंबे श्वास 100 बार ऐसे करना, और फिर आराम आराम से इतना भी कर लो तो भी गुजारा हो जाएगा, चलो बेटा पवन मुक्तासन, आराम आराम से इतना ही कर लो, प्रिया जी पूजा जी भी हमारे साथ में लगे हुए हैं, आराम आराम से पवन मुक्तासन। मुझे लगता है स्वामी जी कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक पवन मुक्तासन मुंडूकासन इतनी देर में ही बहुत सारे लोगों का डिप्रेशन भाग गया होगा, मरकटासन, आप तो बेटा पादाउष्णासन प्रसासन कठिन कठिन आसन करो, सीधे लेट करके भी पवन मुक्तासन, उत्थान पादासन, चक्रासन, सर्वांगासन, आराम आराम से जिससे जितना बन पाए ना, कम से कम 5 से 10 आसनों का एक पैकेज बना लें, 5 से 10 आसन 5 से 10 प्राणायाम रोज करने हैं, और अच्छा खाना है, अच्छा सोचना, अच्छा देखना है, इसी को धर्म कहा है, ये बौद्ध दर्शन में क्या कहते हैं महाराज जी, भगवान महावीर के भी वचन है, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा खाओ पियो, अच्छा जियो, यही धर्म है, ये जैन दर्शन में भी ऐसा कहा, बुद्ध दर्शन में भी ऐसा ही कहा है, और यही वेद में भी कहा है, तो
स्वस्ति पंथाम अनुचरे मसूर्य चंद्रमसा भद्रम कर्णे भिष्णयाम देवा भद्रम पश्चिमाक्षभ्रिय दत्रा। तो जिससे जितना बन पाए ऐसे आराम आराम से ये आसन करते रहना। अच्छा स्वामी जी, और ज्यादा वक्त तक अगर कोई तनाव में रहता है तो इसका असर जाहिर सारे ऑर्गन्स पर पड़ रहा है। हुसैन भाई जी, मोन में चले गया तो फोन कट गया लगता है। कोई बात नहीं स्वामी जी, एकात्म के जरिए तो आप जुड़े हुए हैं और योगाभ्यास करोड़ों दर्शक इस वक्त आपके साथ कर रहे हैं। जब थोड़ी देर हलचल नहीं होती है तो मुझे पता लग जाता है कुछ गड़बड़ हो गई, लेकिन चाहे फोन कट जाए चाहे कुछ भी गड़बड़ हो जाए, हाँ हम अखंड साधना करते रहते हैं। और कभी कोई व्यवधान भी आ जाए ना जिंदगी में, तो कदम कदम पर व्यवधान है, संघर्ष है, चुनौतियां हैं, संकट है, उनके बीच में हम आगे बढ़ते ही रहते हैं मेरे भाई हुसैन। अब मैं सुन पा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, यही मैं भी कह रहा था। स्वामी जी जरा साहब और आगे बढ़ते हैं, ज्यादा दिनों तक जब किसी को डिप्रेशन रहता है जाहिर इसका असर सारे बॉडी ऑर्गन्स पर पड़ रहा है तो आंखों पर भी पड़ रहा है, तो डिप्रेशन के मजीद मरीज जो हैं वो अक्सर आईब्रो के पास एक पॉइंटेड चुभन की शिकायत करते हैं कि कुछ चुभ सा रहा है और सिरदर्द भी उनको काफी होता है, तो इससे कैसे राहत मिलेगी? तो कठिन आसन तो बहुत कर लिए लेखिकन, अब शीर्षासन करो बेटा। शीर्षासन, शीर्षासन और सर्वांगासन, सारंभ हो या निरालंभ हो, तो ये आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसको लंबा करें, लंबा करें, दीवार के साथ कर ले, फिर ये आंखों के लिए ये पॉइंट दबा ले, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है आंखों के लिए। और फिर यदि हो सके तो पतंजलि वेलनेस में आए, हम वहां पर अक्षय तर्पण करा देते हैं, ली थेरेपी भी कराते हैं, त्राटक करवाते हैं। और नंगे पैर ये धूप वाली जमीन होती है ना, ऐसी मिट्टी वाली, इस पर या घास के ऊपर, जैसे यहाँ पर ये अशोक वाटिका है ना, ऐसे किसी को कोई वाटिका मिल जाए ना सुंदर सी तो फिर तो आनंद ही आ जाए। और ऐसे नंगे पैर मिट्टी वाली जमीन पर या घास पर चले, उससे आंखों की रोशनी अच्छी हो जाती है। और आंखों की चुभन तो बहुत छोटी सी बात है, मैकुलर डिजनरेशन तक दूर हो जाता है। अनुलोम विलोम करो बेटो, बैठा इधर, हाँ थे भी करो महाराज, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, हाँ आंख के लिए। फिर आंवला एलोवेरा गिलोय पी लो, आंवला एलोवेरा गिलोय की बस्ती एनिमा ले लो। और एक खास बात, आई ग्रिट देते हैं हम, आई ग्रिट सुबह शाम एक एक देते हैं, ज्यादा होने पर सुबह, दोपहर, शाम तीन बार देते हैं, और ज्यादा होने पर दो दो गोली खिलाते हैं। और जिनको आंखों से दिखता ही नहीं था, मैकुलर डिजनरेशन, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, कलर विजन, डबल विजन, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, सब प्रकार के सफेद काला मोतिया, सब चीजें ठीक होती है। और इस पॉइंट को दबा देते हैं कपाल भाती करते करते, अनुलोम विलोम। तो हमारे पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज, हमारी बेटी लेखिका भी कर रही है, पूज्य स्वामी हमारे मुनि जी, दोनों ही लोकेश मुनि जी और हमारे श्रद्धे मुरलीधर जी महाराज, सब ये कर रहे हैं। और गाय का घी खाएं, गाय का दूध में महात्रिफला घृत एक एक चम्मच और ले लें, तो फिर तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है इसका आंख के लिए। तो ये आंख के ऊपर कोई असर नहीं होगा, डिप्रेशन का आंख पर भी असर आता है, हार्ट पर भी असर आता है, तो हार्ट के लिए ये पॉइंट दबा ले जी मेरे भाई। अर्जुन की छाल, दालचीनी, हृदयामृत, कार्डियोग्रिट भी खा ले स्वामी जी। जिनकी सोच नेगेटिव हो जाती है उनका हाजमा भी खराब हो जाता है, ये क्या मामला है? थॉट प्रोसेस का डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या कनेक्शन है? ये जो है ना पूरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जो अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं ना, अच्छे गट बैक्टीरिया निकलते हैं पेट से, ब्रेन से लेकर के पूरी बॉडी से जब हम खुश होते हैं ना, तो 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करने लगते हैं। तो जब खुश रहते हैं ना तो बहुत अच्छी भूख लगती है, जब दुखी हो जाते हैं तो ऐसे जैसे किसी ने आग में पानी सा डाल दिया हो, बुझ जाती है, जो ठागनी भी बुझ जाती है। एक तो कपाल भाती करें, इससे जो ठागनी बड़ी प्रदीप्त रहती है। करो बेटा कपाल भाती। कौन सी क्लास में पढ़ती है बाबू? 5th में पढ़ती है। क्या बनना चाहती है पढ़ लिख करके? योगी बनना चाहती है, तो ठीक है तेरे को पतंजलि में पढ़ा देंगे, वहीं आ जा।
ये योगी बनना चाहती है, योगी नहीं बनना चाहती है, तो डाइजेशन गड़बड़ हो जाए ना, तो एक तो पवन मुक्तासन जो करा रहे थे उसको करें, एक योग मुद्रासन करें, योग मुद्रासन पद्मासन में बैठ के आगे झुक जाओ बेटे, और मुनि जी महाराज आप मंडूक आसन करो, वज्रासन में बैठो, मुनि जी महाराज से तो कोई आसन करा लो, कितने को हो गए महाराज जी अभी 75 के आसपास, 71 के हो गए, जोरदार ताली ठोको भाई, अब 71 के हो गए, हमारे भर के लग रहे, हमारे जैसे लग रहे हैं, राजस्थानी में बोल रहे हैं थोड़े थोड़ा, आज मारवाड़ी मारा मुड़ा ऊपर आ जाए हैं, भूल जावा तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, और किसी का डाइजेशन गड़बड़ हो ना तो लिवोग्रिट खा लो सुबह उठते ही, और गोधन और के साथ ले लो, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, पायस फिसर, फिस्टुला, इंडाइजेशन, और जिनको बहुत ज़्यादा कोलाइटिस रहता है तो कोलोग्रिट, कुटज, घनवटी, थोड़ा कुटज अरिष्ट साथ में पी लो, काय डाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी, सारा इंडाइजेशन, पाचन तंत्र ऐसा हो जाएगा लक्कड़ पत्थर हजम, और फिर ऐसे योगमुद्रासन मंडूकासन थोड़ा कर लो 5-5 मिनट, हो गया काम, लक्कड़ पत्थर खाने नहीं है मतलब। अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि हम सवालों के सिलसिले की शुरुआत करें, कहावतों का प्रयोग करते हैं, एक और बहुत कारगर चीज है जिसके बारे में आप हमेशा बताते हैं कि प्राणायाम जो है वो 99% बीमारियों की अकेली दवा है, तो डिप्रेशन के मरीजों के लिए प्राणायाम कैसे कारगर है और कौन सा प्राणायाम ज्यादा फायदेमंद है? दह्यन्ते धमायमानानां धातूनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। इससे तो जन्म जन्मांतरों के रोग दोख सुख क्लेश मिट जाते प्राणायाम से तो, और प्राणायाम भगवत स्मरण के साथ करें, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव का ओंकार का, गायत्री महामृत्युंजय का ध्यान करते हुए, हे सब लंबे लंबे सांस फूको, नहीं तो फूके जाओगे जल्दी, एक बोले फूक मारने से क्या होगा, मैंने कहा फूक नहीं मारेगा तो फूक आ जाएगा जल्दी, तो ओंकार का, गायत्री का, महामृत्युंजय का, भगवान राम कृष्ण शिव का, अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहेगुरु अकाल पुरुष भगवान का ध्यान करते हुए भस्त्रिका करें, गॉड इज ब्लेसिंग मी, गॉड इज हेल्पिंग मी, ही इज शोइंग हिज कंपैशन ऑन मी, ही इज बेस्टिंग हिज मर्सी ऑन मी, ऐसे भगवान के आशीषों से अभिषिक्त होकर के योग करना, हो अभिषिक्त आत्महवि लेकर जग जननी के शरणा जोगी जोग जुगत से करना, तो बहुत बार हमने भजन भी गाए योग के, तो ऐसे भस्त्रिका कपालभाति करें, भस्त्रिका से शक्ति का अर्जन होता, आनो भद्राह कृतवो यंतो विश्वतः, और कपालभाति से विकारों का विसर्जन होता है, रोग शोक दुख अंधेरे छट जाते हैं, मिट जाते हैं, हट जाते हैं कपालभाति से, और ये तो हनुमान जी है ना, ये तो महायोगी, देखो हमारे हनुमान जी को तो धरती पर चलना ही नहीं, आकाश गमन सिद्धि भी आती थी, बोलो पवन सुत हनुमान की, तो हम हनुमान जी की उपासना करते हैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की और आदि योगी शिव की उपासना करते हैं, उनको तो अनेक रिद्धि सिद्धि विभूतियां प्राप्त थी, विभूति योग सिद्ध था, कपालभाति अनुलोम विलोम करें, इससे मूलाधार से सस्रार तक देह देवालय शिवालय बन जाता, अष्टचक्र नवद्वार जागृत तो हो जाते हैं, ये देह अयोध्या यही शिव रहने वाला आत्मा ही राम है, शिव है, हनुमान है, और जो राम की तरह मर्यादा में नहीं जिएगा वही रावण है, जो राम राम की तरह ना जिए, भोग वासनाओं में जीने लगे तो रावण हो गया, कंस हो गया, नहीं तो कृष्ण है ही, तो कपालभाति अनुलोम विलोम करें, इनसे पूरा ना हर एक नर में जो नारायण है, हर एक जीव में जो ब्रह्म है, हर एक आत्मा में जो परमात्मा है, हर मानव में जो महामानव है, वो भीतर का सोया हुआ देवत्व ऋषित्व ब्रह्मत्व जागृत तो उठता है प्राणायाम से, रोग तो मिटते हैं, व्याधियों की समाप्ति और समाधि की प्राप्ति, ये दोनों एक साथ काम होते हैं, तो ये बड़ा जबरदस्त मामला है, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम, अब भ्रामरी उद्गीत, अब लास्ट में भ्रामरी उद्गीत सबसे कराऊंगा जिससे सबकी आंख बंद रहे, क्योंकि महाराज साथ बाएं तरफ मैंने देखा तो इधर बहुत जोरदार पकवान तैयार होके आ गया, बाजारी रोटी मक्खन दही, और इधर भी भीतर कुछ माल मसाला है, ये खाने के लिए आ रहा है, भाग यहां से, अनुलोम मिलो।
ब्राह्मी ब्राह्मी उद्गीत करो, नहीं तो थारो भी मन अठे ही लागे को। कुछ और पूछ लो मेरे भाई, प्रश्न काल ले लो, नहीं तो मामला दूसरी तरफ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम जल्दी से पहले सवाल ले लेते फिर उधर चलेंगे। बिल्कुल, हम सवाल शामिल कर लेते फिर उस तरफ चलेंगे। पहला सवाल स्वामी जी अर्पित का है, उनके भाई साहब के लंग्स में फेफड़ों में पानी भर गया है और सांस लेने में अब काफी तकलीफ हो रही है, तो ये फेफड़ों का पानी कैसे खत्म होगा? तो अर्पित के भाई के फेफड़ों में जो पानी भर गया है उसके लिए सबसे अच्छा है एक तो खजूर कल्प करें, उनको बाकी सब खाने पीने की थोड़े दिन चीजें बंद करा दें, और बहुत भूख लगे तो थोड़ा अनार पपीता और चने, वो भुने हुए चने, ये किसी को और कहीं ना मिले भड़बूजे के पास, तो पतंजलि में भड़बूजा भी है, हम भुजवा के भेजते हैं, तो उसको खा लिया करें। हाँ, और स्वासारी वटी स्वासारी गोल्ड खाली पेट ले ले, खाने के बाद कर्क्यूमिन गोल्ड लक्ष्मीलास ले ले, और दिन भर दिव्य पेय पिए, और दूध में हल्दी सिराजित और च्यवनप्राश खा ले, फेफड़े का पूरा इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन, फेफड़ों का जो अंदर पानी इसलिए भरता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। प्राणायाम तो करना ही, भस्त्रिका कपालभाति, जैसे हमारे पूज्य मुनि जी महाराज, हमारे पूज्य मुरलीधर जी महाराज, और जो है ये मुंह छिपा करके करते, हमारे लोकेश मुनि जी पता ही नहीं लगने लगे, महाराज खाते समय तो ये पट्टी हटाते होगे ना। हाँ, एक दिन मैंने मुंह देखो महाराज जी को, बोर बड़ो गोरो चट्टो मुंह है। फिर मुंह दिखाई भी दी महाराज जी को अपने। तो स्वामी जी एक शब्द आपने वैसे याद करवाया आज बचपन का, पेट में पानी भर जाए तो ले वो ग्रिट ले ले। ठीक है ठीक है, भड़भूजा बचपन में ये शब्द क्या इसको देखा भी है, लेकिन अब तो आप बहुत जमाने से सुना ही नहीं था, आपने इसका नाम लेकर बचपन में का सफर करवा दिया। बहरहाल अगला सवाल लेते हैं स्वामी जी, सुष्मिता का ये सवाल है, सर्वाइकल के दर्द से वो परेशान हैं, उनको चक्कर भी आ रहे हैं, अब ये दोनों परेशानियां उनकी दूर कर दीजिए स्वामी जी। अर्धमत्स्येन्द्रासन पूर्णमत्स्येन्द्रासन करो। देखो जिनको भी चक्कर आते हैं ना, एक तो दुनिया के चक्करों से बचो, दुनियादारी ओ गणगारे जन भेद मत दी जोए, हेले मारी निरब रही जोए, तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राख जोए, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता सांच कमाई जोए, हेले मारी निरब रही जोए। तो देखो जो चक्कर में पड़ेंगे ना दुनिया के, बड़ा धोखा है वहां पर, गफलत है बड़ी, इसलिए संभल संभल के सोच विचार के जागरूक होकर के दुनिया में कदम आगे बढ़ाना, मेधावटी खा लेना और मेमोरी ग्रिट ले लेना, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत तो करना ही, मेधा क्वाथ और पी लेना, और पोस्त दाना मखाने की खीर मैंने बताई थी, और जिनको नींद ना आती हो ना तो गंठा फोड़ो और बाजरा की रोटी और ऊपर से बाजरा या घाट की राबड़ी बना के खा लो ना, तो नींद इतनी घनी आवे उठाए तो बिना उठे, बहुत जोरदार। तो जिनको नींद नहीं आती, सिर में चक्कर आते रहते हैं, गाय का घी खाओ, मेधावटी मेमोरी ग्रीट मेधा को आती है, छोटी छोटी बातें हैं हुसैन भाई, बड़े बड़ी समस्या इनसे टल जाती हैं। हाँ ये बात पक्की एकदम। तो घड़ी नींद कैसे आनी ये भी आपने जान लिया। बहरहाल स्वामी जी अगला सवाल एक ले लेते हैं फिर वो जो खाने पीने की बातें वो करेंगे। तो काजल का सवाल है, उनकी बेटी को हाइपोथायराइड की परेशानी है, तो ये प्रॉब्लम जरा दूर कर दें आप। तो देखो हाइपर हो अगला जब हाइपो हो या हाइपर हो, ये यहां से पॉइंट दबाए ऐसे, ये इससे थायराइड ठीक हो जाता है, और एक उज्जाई करो अंदर भरना, नहीं करना भरे भर दे करें वो नहीं करना, इससे हाइपो हो या हाइपर हो, कालजल से लेकर के राजल तक सबके सवालों का प्रश्नों का उत्तर है, और यहां से इसको दबाए दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, यहां से भी है ये पॉइंट ऐसे, ऐसे दोनों पैरों में और दोनों हाथों में ये पॉइंट दबाएं, उज्जाई करें, हाइपो हो या हाइपरथायराइड हो, धनिया का पानी ले ले और साहब थायरोग्रिट ले ले तो कमाल ही हो गया, और किसी के गले में गांठ गुट हो गई है तो काचना गुगुल वृद्धिवादी कवटी ले लो, नहीं तो सिस्ट्रोग्रिट ले लो, थायराइड एकदम ठीक, और सब का गला ऐसा रहेगा 100 साल तक आवाज पूरी बुलंद रहेगी।
स्वामी जी, चलिए सबका मन भटक रहा था इसलिए अब हम सवालों के सिलसिले को यहीं रोकते हैं। अब जरा कुछ खाने पीने की बात कर लेते हैं क्योंकि आप आज जोधपुर में हैं, तो वहां से क्या खास आप बताने वाले हैं, आप उसकी तैयारी करें। मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूंगा। हाई बीपी, शुगर, लीवर प्रॉब्लम, मोबाइल से कैसे बढ़ा मोटापे का डर, ज्यादा स्क्रीन टाइम से ओबेसिटी का रोग, नेचुरोपैथी से कैसे करें वजन कंट्रोल, स्वामी रामदेव के यौगिक उपाय, मोटापा घटाएं, मोबाइल छुड़ाएं। तो कल सुबह 7:56 पर ये शो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। मोबाइल फबिंग आखिर कैसे मोटापे की सौगात दे रहा है, ये बताएंगे स्वामी रामदेव। तो स्वामी जी, क्या क्या है खास आज? प्याज होती है मोटी सी ना, ना मिर्ची बड़ा, मिर्ची बड़ा, मिर्ची बड़ा। अरे राम राम, एक मिर्ची होती है बड़ी सी, उस मिर्ची को बेसन में डाल करके और ये मिर्ची बड़ा तैयार करते हैं। आलू प्याज, आलू प्याज मसाला। ओ हो, अरे आप बड़े मजेदार है महाराज जी। तो भाई समोसा मैं नहीं खाऊंगा, जब मैं मोसा ही नहीं तो समोसा क्यों खाऊं? हाँ। और ये तो समोसा मोसा ही खाते हैं स्वामी जी? फिर ये मावारी कचोरी, ये मारा थे खाजो। हाँ। और इमरती भी बहुत जोरदार है, क्या बात है भाई। भारत तो फेवरेट बाजरा रोटलो है, बाजरा का रोट खाओ ऐसे और फिर बेटी की तरह खूब योग करो फिर। लेकिन ये कचौरी और ये समोसा ये कभी कभी खा सकते हो। महाराज जी ने क्या बनाया महाराज? गाय रो घी। ओ गाय रो घी तो फिर रख जो। अरे पेड़ पे तो लगा दो आज, आज रुद्राक्ष का पेड़ लगाएगा मुनि जी महाराज जी की जय हो। स्वामी जी, इतना कुछ सामने रखा है, अब आप हमें इजाजत दीजिए ताकि अब हम अच्छा पेड़ लगाया जा रहा है। तो इन तस्वीरों का संदेश ये है कि आप भी अपने आसपास पेड़ जरूर लगाएं, पेड़ आपके आसपास की हवा को स्वच्छ रखता है, आपको जिंदगी देता है। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र जैन के वीडियो को लेकर बीजेपी ने आज फिर पोस्टर के जरिए हमला बोला है। इस पोस्टर में क्या कुछ लिखा हुआ है आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। दंतकांति सेंसिटिव दांतों व मसूड़ों की मजबूती व